नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल ग्राम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम अपने विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में फ्री वीपीएन को ऐड कर सकते हैं और फिर हम उसे लाइफ टाइम के लिए फ्री में यूज कर सकते हैं। तो ये जानने के लिए दोस्तों आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आए आप इसको लाइक करना, इसको शेयर करना। अगर दोस्तों ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप मेरे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर YouTube पे देख रहे हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना क्योंकि मैं हमेशा आपके लिए ऐसे ही नए नए टॉपिक्स पे नए नए वीडियोस लेकर आता रहता हूं। तो आइए दोस्तों आज कुछ नया सीख। दोस्तों सबसे पहले तो आपको अपने लैपटॉप या फिर पीसी में इंटरनेट को कनेक्ट कर लेना है, ठीक है। इंटरनेट को कनेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ नीचे स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ सेटिंग्स पे क्लिक करना है और दोस्तों सेटिंग्स के इस पेज पे यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा नेटवर्क एंड इंटरनेट, इस पे क्लिक करना है और इस पेज पे देखिए लेफ्ट साइड में डायल अप के नीचे आपको यहाँ पे वीपीएन का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पे क्लिक करना है और वीपीएन के इस पेज पे देखिए आपको पहला ही ऑप्शन मिलेगा ऐड अ वीपीएन कनेक्शन। यहाँ पे एडवांस ऑप्शन के अंदर दो और ऑप्शन मिलेंगे जो कि दोनों ऑन मिलेंगे आपको। यहाँ पे पहला ऑप्शन है अलाउ वीपीएन ओवर मीटर नेटवर्क और दूसरा है अलाउ वीपीएन वाइल रोमिंग, ये दोनों ऑन रहेगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ पे सबसे ऊपर वाले ऑप्शन एड अ वीपीएन कनेक्शन पे क्लिक करना है और देखिए ये पेज ओपन हो जाएगा एड अ वीपीएन कनेक्शन का। अब इस पेज पे दोस्तों आप देखिए यहाँ पे आपको पहला ऑप्शन मिलेगा वीपीएन प्रोवाइडर, यहाँ पे वीपीएन प्रोवाइडर को मेंशन करना है। उसके लिए आपको इस रेडियो बटन पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे विंडोज बिल्ट इन को सिलेक्ट कर लेना है, यही एक ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलेगा। और दूसरा ऑप्शन है कनेक्शन नेम, कनेक्शन नेम में आपको यहाँ पे टाइप करना है वीपीएन बुक, ये वीपीएन प्रोवाइडर का नाम है, अभी उसके वेबसाइट पे मैं आपको लेके चलूंगा। उसके बाद यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है सर्वर नेम और एड्रेस, इसके अंदर आपको सर्वर नेम को टाइप करना है यानी कि मेंशन करना है। तो अब आपको यहाँ पे ये करना है कि आपका जो भी फेवरेट ब्राउजर है आपको यहाँ पे अपने ब्राउजर को ओपन करना है। ब्राउजर ओपन करने के बाद ऊपर यहाँ एड्रेस बार में जाकर आपको टाइप करना है www.vpnbook.com और यहाँ पे दोस्तों वीपीएन बुक का ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप इस वेबसाइट पे आ सकते हैं, ठीक है। ये वेबसाइट ओपन होने के बाद ऊपर ही यहाँ पे दोस्तों आप देखिए फ्री वीपीएन का ऑप्शन मिल जाएगा, ये दूसरे नंबर पे आपको यहाँ फ्री वीपीएन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। उस पर जैसे आप क्लिक करेंगे ये इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे देखिए आपको दो तरह का वीपीएन देखने को मिलेगा, पहला है फ्री पीपीटीपी वीपीएन यानी कि पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग वीपीएन और दूसरा है फ्री ओपन वीपीएन। आपको यहाँ पीपीटीपी के अंदर आना है पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग में और यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे आपको यहाँ पे बहुत सारे सर्वर्स देखने को मिलेंगे अलग अलग कंट्रीज के। यहाँ पे देखिए यूएस का आपको सर्वर्स मिल जाएंगे, कनाडा का मिलेगा, फ्रांस का मिलेगा। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपके लोकेशन से जो भी सर्वर नजदीक है, अब यहाँ पे यूएस कनाडा और फ्रांस में सबसे नजदीक पड़ेगा फ्रांस, फ्रांस इंडिया से आई थिंक 6-7 हजार किलोमीटर पड़ेगा, ठीक है। कनाडा तो 11-12 हजार किलोमीटर पड़ जाएगा, यूएस पता नहीं कितना पड़ेगा। तो जो भी आपके लोकेशन से नजदीक हो उसके यहाँ पे आपको सर्वर नेम को कॉपी कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए मैं फ्रांस का एक पहला वाला ये यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ये है सर्वर नेम, इसको आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है, ठीक है। राइट माउस क्लिक करना है, कॉपी कर लेना है। अब इसी के नीचे देखिए आपको यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड मिलेगा, इसकी भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सर्वर नेम को कॉपी करने के बाद वापस इस पेज पे आना है और यहाँ सर्वर नेम के अंदर आपको इसको पेस्ट कर देना है। ये पेस्ट करने के बाद उसके बाद से नेक्स्ट ऑप्शन है वीपीएन टाइप, इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल को सिलेक्ट कर लेना है पीपीटीपी को, क्योंकि यहाँ पे हमने पीपीटीपी के अंदर वीपीएन के सर्वर को यहाँ पे कॉपी किया है, ठीक है, उसी से हम कनेक्ट करेंगे। ये करने के बाद यहाँ पे वीपीएन टाइप हो गया। अब यहाँ पे टाइप ऑफ साइन इन इन्फो, इसके अंदर यूजर नेम एंड पासवर्ड रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे यूजर नेम है तो अब आपको यहाँ पे यहीं पे आना है और यहां से आपको इसके यूजर नेम को कॉपी कर लेना है। यूजर नेम को कॉपी करने के बाद इसके अंदर पेस्ट करना है। अब आपको यहाँ पे पासवर्ड डालना है, तो यहाँ पे पासवर्ड देख लेते हैं, 2MXT 2MXT 8WZ 8WZ यूजर नेम हो गया, पासवर्ड हो गया। अब सिंपल दोस्तों आपको यहाँ सेव पे क्लिक करना है और यहाँ पे अब आप देखिए एक नया वीपीएन ऐड हो जाएगा। वीपीएन ऐड होने के बाद से अब दोस्तों इस वीपीएन को हमें कनेक्ट करना है, तो कनेक्ट करने के लिए इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए आपको कनेक्ट का बटन मिलेगा। सिंपल आपको यहाँ कनेक्ट के बटन पे क्लिक करना है और ये वीपीएन यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वीपीएन कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। ये वीपीएन कनेक्ट होने के बाद से इसको कंफर्म करने के लिए चलिए फिर से मैं अपने ब्राउजर को यहाँ पे ओपन करता हूँ
और एक नया टैब ओपन कर लेता हूं। इस नए टैब में यहां पे देखिए मैं टाइप करता हूं व्हाट इज माय आईपी, अपने आईपी एड्रेस को अब चेक करने के लिए, क्योंकि अब तो आईपी एड्रेस बदल चुका होगा उस लोकेशन का, उस सर्विस प्रोवाइडर का, सर्वर का आईपी यहां पे दिखाएगा। तो यहां पे आप आईपी देख सकते हैं, ऊपर ही आपको ये आईपी दिख जाएगा। इसको और कंफर्म करने के लिए देखिए मैं इस वेबसाइट को ओपन करता हूं व्हाट इज माय आईपी एड्रेस। ये वेबसाइट है, यहां पे देख सकते हैं ये वही आईपी है 97, यहां भी 97 है। और यहां पे दोस्तों आप आईएसपी देख सकते हैं, सर्विस प्रोवाइडर का नाम OVHSAS, सिटी देख सकते हैं पेरिस है जो कि फ्रांस में है, कंट्री आपको यहां पे फ्रांस दिख जाएगा। तो ऐसे आके यहां पे आप कंफर्म कर सकते हैं और कुछ इस तरह से दोस्तों आप फ्री वीपीएन को अपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐड कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप इस वीपीएन को यहां से अपने ऑपरेटिंग सिस्टम से अगर आपको इसको रिमूव करना है, तो रिमूव करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहां से इसको डिस्कनेक्ट कर देना है। डिस्कनेक्ट करने के बाद यहीं पे रिमूव का बटन दिख जाएगा, सिंपल आपको यहां रिमूव पे क्लिक करना है और ये वीपीएन आपके विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम से रिमूव हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो, आप इसको लाइक करिए, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं, आप मेरे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि मेरे हर नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे।